शेन मैकमैन पे तगड़ी हीट हो गई है रॉयल रंबल के पास, क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल में बहुत सारी बुकिंग करी थी रॉयल रंबल की, और उन्होंने सबकी बुकिंग तोड़ फोड़ दी थी, इंक्लूडिंग जेमी नोवल, जिनसे उनकी तू-तू में वे भी हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर रॉयल रंबल शेन मैकमैन के अराउंड बिल्डअप हुआ था। आखिर में जो मेन स्पॉट्स थे वो शेन मैकमैन को मिले थे, इंक्लूडिंग लास्ट फोर कंपेटिटर और लास्ट फोर एंट्रेंट में भी, जो कि किसी और को भी मिल सकते थे, इंक्लूडिंग बिग ई। और इसमें भी इसमें विंस मैकमैन ने भी उनका साथ दिया था, क्योंकि उन्होंने भी कम से कम 20 बार स्क्रिप्ट तोड़ी पोड़ी थी। रिंग साइड न्यूज की बहुत रिकॉर्ड्स करेक्ट हुई है पीछे टीम विंसल से भी, तो ये भी रिपोर्ट करेक्ट होगी। और इंक्लूडिंग ये भी है कि क्योंकि ये बुकिंग इसलिए हुई थी क्योंकि शेन मैकमैन को साउदी शो के लिए भी कन्फर्म है, शेन मैकमैन इंक्लूडिंग साउदी शो के बाद भी शेन मैकमैन का प्रोमिनेंट रोल रहेगा रेसलमेनिया बिल्डअप में, और रेसलमेनिया में कोई मैच होगा शेन मैकमैन का, तो देखते हैं कौन सा मैच हो सकता है शेन मैकमैन का। लगता तो यही है इंटरेक्शन से कि या तो शेन मैकमैन बढ़ेंगे केविन ओवेंस से, ब्रॉक लेसनर से, या फिर मैच होगा उनका मैट रिडल से। देखते हैं किससे मैच होता है। बाकी शेन मैकमैन इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा दिला चुके हैं बैक स्टेज क्रू को। तो उसके बाद न्यूज आती है रॉयल रंबल से रिलेटेड, और भी बैक स्टेज फोटोज आई है जिसमें पता लग रहा है कर्ट एंगल थे प्रेजेंट बैक स्टेज में पर उन्हें यूज नहीं किया गया, और चार्ली हास भी थे। और एक और फोटो आई है जिसमें जेलियन हार्ट और अक्साना दिख रही है, और ब्रॉक लेसनर के भी न्यूज आ रही है कि ब्रॉक लेसनर इस मंडे नाइट रॉ में दिखेंगे और अनाउंस कर देंगे कि वो किसको फेस कर दे है, क्योंकि उन्होंने रॉयल रंबल जीत लिया था। तो क्या वो रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस होगा, या फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली, या जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होगा, क्योंकि अभी तक कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच की कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा नहीं है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप मैच होगा, किसी को कुछ नहीं पता इंक्लूडिंग बैक स्टेज। और ब्रॉक लेसनर का तो मैच पक्का है ही कि वो रोमन रेंस को चूज करेंगे। तो रोंडा राउजी की भी खबर है कि रोंडा राउजी भी रॉ में दिखेंगे आपको प्रेजेंट, और अनाउंस कर देंगे कि किसको वो फेस कर रही है। ऑफ कोर्स बेकी लिंच से कुछ ना कुछ इनका होगा सम टाइम, बट अभी के लिए इस रेसलमेनिया के लिए वो डिसाइड करेंगी शार्लेट फ्लेयर को, क्योंकि यही प्लान है कि शार्लेट वर्सेस रोंडा राउजी का मैच करवाना है। इसी वजह से वो लास्ट टू स्पॉट्स हुई थी जिसमें रोंडा राउजी ने एलिमिनेट किया था शार्लेट को, तो ऑफ कोर्स रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अराउंड होगा रोंडा राउजी वर्सेस बैकी लिंच रेसलमेनिया 39 में। तो और प्लान बात करोगे तो रोंडा राउजी का कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम का है, तो वो एटलीस्ट आपको हर शो में आपको नजर आएगी रेसलमेनिया के बाद भी, रेसलमेनिया से पहले भी, क्योंकि यही प्लान है, यही सब है। रोंडा राउजी वर्सेस शार्लेट रेसलमेनिया 38 में आपको दिखेगा, एक नाइट मेन इवेंट जरूर बनेगी राउजी, क्योंकि रोंडा राउजी मेन स्ट्रीम ऑडियंस को अपील करती है